ये असेसमेंट है कि हाउ यू आर गोइंग टू थिंग्स टुगेदर और उसका क्या मैं वो कहता रहा हूं। इस वक्त जो इंटरनेशनल हालात हैं, जो मुल्क के अंदर कशीदगी है, पार्टी को एजेंसियां बनाए हुए हैं, इधर फिर भी नहीं बनती, ब्लीक नजर आता है। ये आप किस बेसिस पे कह रहे हैं, आपकी क्या असेसमेंट है? ये भाई बाहर वाले नाराज हैं, अंदर वाले नाराज हैं, आपका एडमिनिस्ट्रेशन कहीं नहीं है, तो फिर क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? कौन सा सोने की बरसात होगी या कौन से रिवर दरिया दूध के बहेंगे? अभी तो 6 साल के डाउट से आए हैं, निकले बाहर। इस वक्त हम देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ हैं जो कि लीडर हैं, जो उसको लीड कर रहे हैं, और उसके साथ प्राइम मिनिस्टर जमाली हैं। फिर एक और बात हो रही है कि आप बीपीएमएल के हैं, जमाली साहब बीपीएमएल क्यू के हैं, ग्रुप के, एक यूनिफिकेशन और मुस्लिम लीग की बात हो रही है, आप उसे एग्री करेंगे? अभी उसके उस पर आप एग्री करते हैं यूनिफिकेशन? यूनिफिकेशन चाहते मर्जर नहीं चाहते, हम अग्री यूनिफिकेशन के हुए थे, वो मर्जर के लाइन बजा रहे, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो नेचुरली डिफरेंस ओपिनियन होगा। जितना वेमेंटली वो अपने ओपिनियन को फॉलो करेंगे तो हर एक उतना वेमेंटली अपने ओपिनियन को फॉलो करेगा। तो आपको क्या चीज चाहिए कि अगर आप मर्ज करते हैं मुस्लिम लीग के अंदर, आपकी क्या कंडीशंस होंगी? यूनिफाई करते मर्ज नहीं, कंडीशन मेरी क्या होनी है? मेरी तो जमात ही नहीं, जमात ने मुझे प्रेसिडेंट बनाया था हायर फायर का, उनको राइट था इस्तीफा का, मुझे समझिए जमात अपनी जगह पर है, जमात क्या करेगी दैट आर कांड से, बट यूनिफाई नॉट मर्ज। लेकिन पिछड़ा बात तो यह है जो फैक्ट इज फैक्ट के जमात, जिस जमात की बात करते हैं उसके तो आप लीडर हैं। देखो भाई बहुत से फैक्ट्स आप तो बोल सकते हैं, आपको तो नहीं, मैं सब को सामने तो नहीं ला सकता, लेकिन ये कहता हूं कि इतना फैक्शन है बता दूं तो क्यू लीग इनहेरेंट मुस्लिम लीगर्स नहीं है, इकट्ठे चलने वाले लोग नहीं है, चल नहीं रहे इकट्ठे, एजेंसियों ने इकट्ठे करके क्यू लीग बनाई। सब अगर आप मुस्लिम लीग की बात करते हैं या पीपल्स पार्टी की बात करें या कोई और पॉलिटिकल किसी पार्टी की बात करें, हैं तो सब पाकिस्तानी और सारे पाकिस्तान के लिए एक अच्छा काम करना चाहते हैं, तो ये क्या बात है कि ये जितनी भी पार्टीज हैं ये क्यों नहीं ये डिलीवर करती? वोट्स तो ले जाती हैं लेकिन डिलीवर नहीं करती। अपने इंटरेस्ट हैं, अपने फायदे हैं, हर एक अपने फायदे के लिए। अगर पार्टी हो जैसे फंक्शनल है तो फायदे के लिए काम करेगी, क्योंकि किसी आदमी की पार्टी नहीं होगी, पार्टी के वो आदमी होंगे, यहां आदमी की पार्टियां हैं, दो चार अपने लंगोटिए यार इकट्ठे कर लिए पार्टी बना ली। अब आपने देखा कि इस गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप में एजाज साहब अकेला आदमी, उधर से निकला उधर से रजिस्टर, कैसे निकला और कैसे रजिस्टर हुआ वो सबको पता है, कहां से ऑफिस फेर थोड़े पाकिस्तान आए। लेकिन वो तो है तो एक सिंसेयर आदमी के बेटे हैं वो, कौन किसका बेटा है, कौन कितना सिंसेयर है वो सवाल नहीं है, सवाल है कि किस तरीके से सब कुछ हो गया। कुछ साहबान के लिए है ये है कि द विल देर इज द वे, बट औरों के लिए ये विल भी है बट वे नहीं है, क्यों? आप जैसे मैंने पहले कहा आप प्रेडिक्शंस तो नहीं, लेकिन अगर असेस करते हैं तो आज की सिचुएशन में आप प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ का क्या फ्यूचर असेस करते हैं? भाई मैं बहुत दूर यहां बैठा हुआ, वो वहां बैठा है, वेल गार्डेड है। देखो फौज हुकूमतें बदलती आई है, अब तक वोटर ने वोट से किसी प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर को नहीं निकाला है, खुद भी नहीं निकाला है। ये जब निकलेंगे, जब भी निकले 10 साल के बाद निकले 15 साल के बाद निकले, खुद ही निकालेगी, मैं या आप या कोई और लीडर नहीं निकालेगा।
ये तो निकालेगा, जो निकालेगा वो वक्त ही बताएगा या खुद जाते हैं, लेकिन आप एज एन इंडिविजुअल, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, आप क्या असेस करेंगे? मैं यही कहता हूँ, तो निकालेगा उसका घर कोई, हम नहीं निकालेंगे। यूनिफॉर्म पे उसका घर उतरो आएगा, अगर उतरवाना हुआ। लेकिन आपने पहले तो कहा था कि उतारेगा यूनिफॉर्म। भाई वो कहता है तो अब तक तो उल्टा या सीधा जो भी कहा है क्या है, उसके रिजल्ट से कितने महंगे पड़े हैं उसको एडमिनिस्ट्रेशन को। ठीक है, आप मिले प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ से? मैं दो तीन बार मिला हूँ। आपको उनकी बातों में जब आप उनसे बात किए, आपको क्या सिंसेरिटी या क्या चीज नजर आती है पाकिस्तान की? देखो, प्रेसिडेंट साहब के किसी वाक्य के बाद में सिंसेरिटी आपको दिखेगी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की बात है। मैंने एक साहब परवेज मुशर्रफ से, प्रेसिडेंट साहब से सवाल पूछा था, हम बहुत छोटे 8,000 यूनिट्स के प्रोड्यूस इंडेक्स यूनिट्स के जमींदार हैं, हम एक फैसला करते हैं और ऑर्डर देते हैं, कामदार उसको फुली तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करता, लेकिन और नए तरीके करता, हम उसको मोर करते हैं, उसको पछाड़ते हैं, पूछते हैं, कभी आपने मालूम किया कि आपने एक ऑर्डर दिया और उसकी कोई बात नहीं, तो जवाब कुछ नहीं दिया। तो आप जो कह रहे हैं कि बेसिकली ये जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है ये इफेक्टिव नहीं है? कहीं है निश्चित है, मैं तो ऐसे आप भी सवाल आप बेदर्दी से पूछते हैं कि मैं ऐसे जवाब दूं कि मैं अंदर जेल में हूं और आप बाहर रहें, मैं जवाब ऐसे दूंगा कि आप अंदर हैं जेल में, मैं बाहर हूं। लेकिन पी साहब, मेरा तो काम है आपसे पूछना और ये पूछना कि आप ऐसा जवाब दें कि कम से कम लोग उसको, लोगों को कॉमन सेंस से काम लेना चाहिए, समझना चाहिए कि वी आर लिविंग इन द कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी। ये कंट्रोल और डिसिप्लिन डेमोक्रेसी के बीच में, कंट्रोल डेमोक्रेसी या हम कहें इलेक्टेड डेमोक्रेसी या सिलेक्टेड डेमोक्रेसी, पाकिस्तान को क्या चाहिए? पाकिस्तान को इस वक्त डिक्टेटरशिप चाहिए कुछ अर्से के लिए कि ये बदमाशों से निजात मिल जाए, उसके बाद पार्टियां बना के या आदमियों को कहा जाए कि पार्टियां बनाए, मैदान में छोड़ा जाए, मौलवियों को कहा जाए कि वो सिर्फ खदमत खल्क और तबलीग का काम रखें, सियासत न उनका काम था न उसमें जाए, और फिर कोई बात बनेगी। हमारे लिए तो कुरानी एक मिसाल है, कुरानिक हजरत मूसा साहब जब आए थे तो कैंप की हालत क्या थी, कतला मुआ मोचले लगे, जूते लगे, उसके बाद जो बचे वो सुधरे, डिसिप्लिन हुए, हाल फिलहाल अकाउंटेबिलिटी हो, जो बुरे लोग हैं जो साबित हों के बुरे हैं उनसे निजात बन हुए आर्या दर मिले, बाकी को रहसा करके ओबीडियंट किया जाए, परमवादर किया जाए, डिसिप्लिन किया जाए। जो काम भुट्टो साहब कर गया अनडिसिप्लिन, जाहिल आदमी को बेलगाम कर गया तो उसको फिर लगाम आए। फिर साहब, इस्लाम में कोई क्लर्जी नहीं है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि ये बड़ी बड़ी ये चीजें निकल आती हैं कि कोई एक पीर है, कोई कुछ है, कोई एक सेंट बन जाता है। बात ये है कि आज हम एक मौलवी को देखते हैं और एक मौलाना को, वो भी बड़ी कोशिश कर रहा है कि आज वो एक गवर्नेंस में आए और हुकूमत चलाए, तो आपका क्या ख्याल है ये जो मुला एलिमेंट है क्या ये चला सकता है, क्या इसका रोल है पॉलिटिक्स? देखो भाई, अब मैं अगर कुछ कहूंगा तो मौली साहब अनरिसर्व हो जाएंगे। आज ये है कि मौली साहब इज नॉट ट्रेंड टू गवर्न, ही इज ट्रेंड टू पढ़ाओ लिखाओ, मैयत को देखो, शादी कराओ, जमे की नमाज पढ़ाओ, फतवा दो, उसके वो ट्रेनिंग उनकी वो है, नॉट टू रूल।
वो रूल करना चाहता है कि वो पड़ोस के खाने पर रहने के बजाय खुद रोटी कपड़ा मकान की तैयारी करें।